में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर सरगर्मी तेज है। लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जब भी मौका मिलता है नीतीश कुमार पर हमला कर देते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ दिन पूर्व प्रवासी शब्द का नीतीश कुमार ने पूरी तरह से विरोध किया था और कहा था कि अगर कोई भी बिहार राज्य के व्यक्ति, दूसरे राज्य का व्यक्ति अगर दूसरे राज्य में कमाने खाने जाता है तो उसे प्रवासी नहीं कहा जाएगा। लेकिन अपने ट्वीट में नीतीश कुमार ने प्रवासी लिख उस ट्वीट को तेजस्वी को दिखाकर निशाना साधा है। सरकार जो इनके ट्वीट पे प्रवासी शब्द का इस्तेमाल किया है, इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। कोई विश्वास नहीं करता, इधर सामने आकर के कह रहे कि रोजगार नहीं, उधर कह रहे कि लोग जो है स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि लोगों को डंडा मारने के लिए तैयार रहो, गोली मारो। ये साफ दर्शाता है कि ये डबल इंजन की जो सरकार है ये गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है और जो बेरोजगार अपना अधिकार मांग रहे हैं ये इसके विरोधी है। इसलिए हमारा विपक्ष का लगातार हम लोग से कहते हैं अगर हमारे सलाह को, हमारे सहयोग को आप लेते हैं तो ये स्थिति जो है उत्पन्न नहीं हो पाती। किन किन क्षेत्रों में नौकरी देंगे और हर क्षेत्र के लिए बनाई गई कार्य योजना को विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक करें। हमारी मांग है कि जो आपने रोडमैप अगर बनाया हुआ कैसे रोडमैप देगी, किन किन क्षेत्रों में पूरा डिटेल में जो है सार्वजनिक फॉर्म पे इसको बताने का काम करें नीतीश कुमार। लेकिन अपने ट्वीट में नीतीश कुमार ने प्रवासी लिखा उस ट्वीट को तेजस्वी ने दिखाकर निशाना साध कहा है कि नीतीश की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मजदूर पर अत्याचार हुआ है, साथ ही अब सरकार माफी मांग रही है। इस सवाल के जवाब पर तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश जी की ये पुरानी आदत है, अगर ऐसा है तो नीतीश जी खुद माफी मांगे।